दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। सत्यमेव जयते, मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रायम्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्य असत्य के बारे में। दोस्तों, दुनिया में सत्य को बहुत महत्व दिया जाता है। जैन शास्त्रों में भी सत्य पांच महाव्रतों में से एक है और पतंजलि योग सूत्र में भी पांच यम से एक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी सत्य के बलबूते पर हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलवाई थी। तो ये सत्य असत्य क्या है, चलिए जानते हैं पूज्य दीपक भाई से अगले सेगमेंट में सत्य असत्य के बारे में। सच पे बिहेव क्यों नहीं करते सब लोग, सच क्या है? सच के बिहेव क्यों नहीं करते? सचमुच हमारा सच है, उसके पीछे आग्रह है। आग्रह अहंकार है कि मैंने जो कहा सच है, मानना ही पड़ेगा। वो आग्रह आ गया तो कोई सच मानने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा। सच का डेफिनेशन है सत्य हित प्रिय मित और निराग्रही, तो ही सत्य को कोई एक्सेप्ट करने की तैयारी रखेगा। नहीं, हमारी मम्मी को बोलो तो मेरे बाप की वाइफ है, सच्ची बात है कि नहीं, तो क्या मानेगी आपकी बात? गुस्सा करेगी, चुप, ऐसे नहीं बोलने का, गेट आउट करेगी। क्यों? तो नग्न सत्य करेक्ट नहीं है। अहितकारी सत्य, वो भी नुकसान करने वाला सत्य, वो भी असत्य है। लंबा लंबा सत्य, वो भी असत्य है। और अप्रिय, किसी को है बेवकूफ इधर आओ ये खाना खाओ, नहीं खाने का, उसको अप्रिय सत्य, वो भी असत्य है। तो किसी को दुख दे के कोई भी सत्य वो असत्य हो ही जाएगा। समझ में आता है? यानी सबको सत्य स्वीकार करने की कभी इच्छा हो जाएगी, सत्य हित प्रिय मित और आग्रह नहीं विनंती वाला सत्य होगा तो कोई स्वीकारेगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य की। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं घर में स्कूल में कि सच बोलो झूठ मत बोलो। तो सत्य हम किससे कहते हैं? क्या हर बार हमारा सत्य करेक्ट ही होता है या फिर हर एक के व्यू पॉइंट पे निर्भर करता है? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। सच्चाई से जीना वह क्या गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, पर सच्चाई की पकड़ पकड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। सच्चाई में जियो उसकी कोई हरकत नहीं, पर सत्य का आग्रह हो गया तो फिर गधे का पूछ पकड़ा तो मार खा के मरोगे। सत्य जो आप मानते हो वो आपका व्यू पॉइंट है, दूसरे के लिए असत्य भी हो सकता है। आपका व्यू पॉइंट दूसरे के लिए असत्य भी, क्योंकि सत्य और असत्य रिलेटिव है। और सत्य तीसरा शब्द है, वो इटर्नल त्रिकाल सत्य है। अभी आप जो मानते हो कि सत्य से जीना, उसमें कोई गलत नहीं है। क्या तो पूछना चाहते हो आगे? पर सत्य सत्य से जीते हैं तो दुनिया में मारी खाते हैं, हर लोग अपने फंसा के जाते हैं। हाँ, तो सत्य की नॉर्मलिटी रखो। सत्य की तो नॉर्मलिटी कैसे रखे? उसकी मैं बताऊं नॉर्मलिटी, बताऊं आपको। हम देखते हैं कि झूठा है तो उसको हम सत्य कैसे बोले भी? नहीं, देखो, सत्य का चार इक्वेशन, चार मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। फर्स्ट सत्य होना चाहिए, दूसरा हितकारी होना चाहिए, तीसरा प्रिय होना चाहिए, चौथा मित यानी शॉर्ट में होना चाहिए। आप अपनी मम्मी को बोलो तू तो मेरी वाइफ, पापा की वाइफ हो ना, तो मम्मी को सुख लगेगा। ओ बराबर, वो सत्य नेग्न सत्य दुखदाई है, मत बोलना। पर सत्य भी है, कैसे बोल सकते हैं? जो गुनाह करते हैं, जो गुनाह करते हैं उसको गुनेगार नहीं बोलना है क्या? ये अपना बेवकूफी नहीं है अगर तो अपना डरावना नहीं है क्या? देखो, एक मैं आपको एग्जाम्पल दो। एक आदमी किसी के पॉकेट में से चोरी करता है तो दो मिनट के बाद गुस्सा पश्चाताप हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे होगा? एक आदमी बच्चे के ऊपर क्रोध करता है, थोड़ी देर के बाद बच्चे के लिए उसको प्रेम है तो बाद में पश्चाताप होएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता तो फिर है। दो बार हो गया कि नहीं? एक क्रोध करता है, भीतर में पश्चाताप करता है, एक चोरी करता है, भीतर में पश्चाताप करता है। तो आपको भीतर में क्या हो रहा है दृष्टि है देखने की? आप बाह्याचार ही देखते हो और बाह्याचार देख के उसको गुनहगार ही मानते हो। आपको क्या अधिकार है किसी को गुनहगार बोलने का? क्योंकि भीतर की दृष्टि आपके पास नहीं है। और तीसरा है आत्मा। एक प्रकृति गुनाह कर रही है, भीतर में खुद पश्चाताप लेता है और उसका आत्मा तो शुद्ध ही शुद्ध है। देखो, आपको पास आत्मा की दृष्टि नहीं होने के वजह से जो भी प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देने वाले गुने को ही गुने वाले करने वाले को गुनेगार बोलते हो, और वो सबसे बड़ी भ्रांति है। तीर्थंकर भगवान ने, ज्ञानी भगवंतों ने जगत को निर्दोष देखा है, खून करने वाले को भी निर्दोष देखा है,
तो उनके पास कौन सी दृष्टि होगी? और अपनी दृष्टि कैसी है कि सभी को गुनेगार देखते हैं, है ना? दृष्टि बदलने की जरूरत है। पीला चश्मा है तो पीला ही दुनिया दिखेगी, दृष्टि वैसी सृष्टि। और आपकी निर्दोष दृष्टि हो गई, शुद्ध दृष्टि हो गई, तो आपको जगत निर्दोष दिखेगा। यहाँ आप वो निर्दोष दृष्टि लेके जाओ, शुद्ध दृष्टि लेके जाओ, तो आपको जगत में कोई गुनेगार दिखेगा ही नहीं। तो जो करता है उसको करने देने का, अपने शांति से देखने देने का। देखो एक मैं आपको कोई हैरान करता है कि दूसरे के लिए बात करते हो? हमको फंसाते रहते हैं सब, जो आपको फंसाते हैं। दूसरे भी दुनिया में कितने आतंकवाद होते हैं, चोरियां होती है। फंसाने मतलब क्या, बड़े बड़े वादे करके बुला लेते हैं, बाद में वो लोग फिर जाते हैं, तो उनके लिए क्या? आपको ऐसा क्यों मिला, हमको ऐसा क्यों नहीं मिला? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमारे अज्ञानता है कि उसको पहचानने में मेरी गलती है, वो भी हो सकता है। पहचानने की गलती नहीं, आपका कर्म फल देता है। कुछ पिछले लाइफ में गुनाह हुआ है तो ये लाइफ में दंड आता है। अच्छा। आज वो गुनाह कर रहा है चीटिंग करके, वो बाद में फल भुगतेगा। एक आदमी ने पिक पॉकेटिंग किया तो कुदरत का न्याय क्या है? जिसकी पैसे गए कौन भुगतता है? अभी जो भुगतता है उसकी गलती कुदरत का न्याय है। व्यवहार में जिसने खिसा काटा वो गुनेगार बोला जाएगा, और अध्यात्म में कौन भुगतता है उसकी गलती, क्योंकि आपने कुछ पिछले लाइफ में कॉजेज किए थे उसका आज आपको फल आया, और वो गुनाह कर रहा है उसका फल उसको बाद में मिलेगा। यानी जो संसार में जिसको छूटना है उसको हुआ सो न्याय एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जो अन्याय दिखता है वही ज्ञान की दृष्टि से न्याय है, और बुद्धि की दृष्टि से अन्याय ही अन्याय दिखेगा। जिसको मोक्ष जाना है वो ज्ञान दृष्टि से चलना पड़ेगा, संसार में आगे बढ़ना है तो बुद्धि से चलो, उसमें कोई हरकत नहीं है। तो आज आपको क्यों खिसा काटने वाला मिला, चीटिंग करने वाला आपको क्यों मिला? वहां विज्ञान ये बताता है, अध्यात्म विज्ञान, कि मैं भुगतता हूं, मेरा ही कॉजेस से मुझे इफेक्ट आती है, इफेक्ट देने में कोई भी निमित्त निर्दोष है। अच्छा, वो हो सकता है क्या? ये भो में जो हम करते हैं यही भो में हम भुगत लेते हैं, ऐसे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं होता मेरी जिंदगी में। तो एक मैं एक एग्जाम्पल दो, दोनों बात सच्ची, ये लाइफ में जो करता है उसका फल ये लाइफ में भी आता है, और सूक्ष्म में ये लाइफ में जो होता है उसका फल नेक्स्ट लाइफ में आता है। आपको एग्जाम्पल दो, सपोज यहाँ कुछ मंदिर बनाने का कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो ट्रस्टी लोग इकट्ठा करते हैं पैसा प्रोजेक्ट के लिए, तो कि सेठ के पास जाएंगे, चलो सेठ जी लिखाओ 5 लाख रुपया तुम्हारा, हमारा गाँव में अपने पास में मंदिर हो रहा है, सारी सोसाइटी को फायदा आएगा। तो लिखाता है सेठ 5 लाख लिखो। दूसरा सेठ के पास जाता है, वो बोलता है कितने का प्रोजेक्ट है? 50 लाख का है, मगर हमारे पास तो 5 लाख है, 5 लाख लेके जाओ, और थोड़ा पैसा हमारे पास ज्यादा होता तो मैं ही 50 लाख ले देता, भगवान का काम मेरे पास कहाँ से। तो दूसरा सेठ ऐसा बोलता है मैं 50 लाख भी देता था मेरे पास होता तो। तो ये ट्रस्टी वाले फर्स्ट नंबर फर्स्ट वाले सेठ को पूछते साहब ज्यादा कुछ लिखाएंगे? देखो माथा कुट मत करो बोलेगा, ट्रस्टी मंडल में हमारे रिलेटिव है, उसने बहुत प्रेशर रखा, इसके लिए मुझे देना पड़ा, नहीं तो एक पैसा भी नहीं देता था। तो क्रिया दोनों 5 लाख की सरीखी करते हैं, और भाव दोनों के अलग अलग है। इसका भाव एक पैसा भी नहीं देना है, इसका भाव है 50 लाख देना है। तो क्रिया का फल यही लाइफ में मिलता है, सेठ नाम आएगा बोर्ड के ऊपर, मंदिर का प्रतिष्ठा पूजा में सेठ जी को दोनों को आगे बिठाएंगे, क्योंकि 5 लाख दोनों ने दिए हैं। यानी स्थूल फल क्रिया का, स्थूल कर्म का फल स्थूल आएगा यही लाइफ में, और भाव कर्म का फल नेक्स्ट लाइफ में आता है। इसको एक पैसा भी नहीं देने था ये सेठ को, तो नेक्स्ट लाइफ में उसका एक पैसा भी नहीं छूटेगा। तो मंदिर में भी जाएगा, पूजा करेगा, पैसे की पेटी देखेगा, खिसे में हाथ डालेगा, परचूरन निकालने के बीच में बुद्धि उसकी क्या बताएगी, हाँ इतना सारा सिक्का में मेरा सिक्का कहाँ मालूम होगी, नहीं डालेगा एक भी पैसा, उसका पैसा छूटेगा ही नहीं उसे। और उसके पास 50 लाख आएगा आएगा भी सही, और 50 लाख दान भी देगा दूसरा सेठ। वो भाव कर्म का फल नेक्स्ट लाइफ में आता है, क्रिया का फल इधर ही आ जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य के बारे में, तो ये सत्य असत्य क्या है, और क्या उसके भी कोई प्रकार होते हैं? क्या व्यवहार सत्य और रियल सत्य का कोई कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है? हमारी दृष्टि में जो सत्य है वो क्या दूसरों की दृष्टि में असत्य हो सकता है, तो वो कैसे, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। सच्चा आदमी दुखी क्यों और झूठा आदमी जलसा क्यों करता है, ऐसा इसका क्या कारण? वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो कुदरत न्याय कर रही है। जिसको ऊर्ध्व गति में लेके जाना है
उसको उसका रास्ता अलग रहता है, अधोगति में लेके जाने का है उसका रास्ता अलग रहता है। जो आदमी गलत काम करता है और खुशी मनाता है उसका फल उसको अधोगति में जाना ही पड़ेगा, नो वे, उसको कोई बचा नहीं सकता है। और सच्चा आदमी है और मुश्किल ही उसको आती है, तकलीफ आती है, फिर भी सच्चाई छोड़ता नहीं, किसी को दुख देता नहीं, किसी को परेशानी नहीं करता है और समता भाव से रहता है तो ऊर्ध्वगति में गति में जाएगा ही जाएगा। समता भाव रखना आसान तो नहीं है ना? आसान नहीं है, क्योंकि समता वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से नहीं रहती है, राइट अंडरस्टैंडिंग में आ गया तो समता रह सकती है। समता वो ज्ञान का फल है, विषमता वो अज्ञानता का फल है। यानी सच्चा आदमी दुखी क्यों है मैं बताऊंगा आपको। अभी दो प्रकार की बातें होती है, एक आदमी सच्चा है और सच्चाई का जो आग्रह करते रहता है वो आग्रह वही अहंकार है और अहंकार की वजह से उसको बहुत दुख होता है। आग्रह वही गुनाह है, ऐसा आग्रह गुनाह है, सच्चा गुनाह नहीं है। अभी अपने घर में समझो अपनी वाइफ को गलत कर दी तो उसको बोले खुल्ला कभी ऐसी क्यों कर दिए, तो अपने तकलीफ हो जाती है घर में। नहीं उसको उसको समझाया कैसे, वो तो अपने पास झगड़ने लगती है। हाँ तो सबके सामने हमारे बोलने की आदत है, तुम गलत है या ना गलत है, हम तुमको कैसे सच्चा बोलू, झूठा बोलना नहीं मुझे। देखो गलत आप कभी नहीं करते जिंदगी में, तो आपको 80% तो नहीं किया अभी तक, यानी 20% जो किया होगा तो आपको डांटने से आप सुधरोगे कि समझाने से आप सुधरोगे। आपको क्या इच्छा रहेगी, मुझे गुस्सा करके समझाओ, गुस्सा करो या समझाओ, कौन सा आपको पसंद पड़ेगा? हम बोलते नहीं खाली शांति से कहते हमें मालूम नहीं, हम तो हम बोला है सच्चा बोला का, मुझे बुलाओ मत तुम साथ में, मुझे कहना है तो मैं सच्चा बोलूंगा। ने कुछ भी गलती की, देखो एक एक सिद्धांत समझ लो, गलती और सच्चाई में, झूठ और गलती में फर्क नहीं है। गलती फरक? गलती क्या होती है कि जिसके अंदर भाई ऑटोमेटिक गलती हो जाती है, तेरे वो सच तो क्या है, परपजली वी कैन गो रॉन्ग, झूठ बोलना है। किसी को सुधारने का रास्ता क्या है वो समझना चाहिए। देखो यहाँ से लाइट चालू है, आप इधर किधर भी ठोक ठोक करोगे तो लाइट चालू होगी, उसकी प्रॉपर स्विच दबाओगे तो लाइट चालू होगी, तो स्विच तो ढूंढना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर कितना भी डांटोगे कैसे सुधरेगा, उसके बदले वैर बांधेगी आदमी आपके साथ। तुम तो उसको बता, सुधारने का रास्ता मैं आपको बताऊं, हम तो उसको बता दो यू अवे फॉर मी, हम हमारे से तुम दूर रहो, मगर मेरे बीच में घुसड़ो मत, झूठ बूट की मगजमारी मत। नहीं मगर झूठ, देखो झूठ और सच्चा, क्या नाम है आपका? चंद्रकांत भाई। आप सचमुच चंद्रकांत हो? वो तो कह नहीं सकते, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य वही झूठ है, कौन सा सत्य को आप पकड़ोगे? अरे रिलेटिव सत्य है, बुरा अच्छा रिलेटिव करेक्ट है, क्यों पकड़ते हो? पकड़ना वही सबसे बड़ा पॉइजनस चीज है। बुरे को, हाँ बुरे को बुरा जरूर बोलो, पर बुरे के ऊपर द्वेष मत करो, अच्छे को अच्छा बोलो मगर उसके प्रति राग मत करो। बुरे को राग और द्वेष वही सबसे बड़ा पॉइजन है। तू बुरे को भी प्यार से बात करे से। अरे बुरा, देखो कोई भी आदमी का वर्तन बुरा होता है, अभी मैं आपको सिद्धांत की बात बताऊं, कोई भी वर्तन बुरा होता है तो उसके पीछे समझ बुरी होने के वजह से वर्तन बुरा हुआ है। आपको एयरपोर्ट जाना है, समझ लो आपको एयरपोर्ट जाना है, बाय चांस अभी समझ लो यहाँ से नॉर्थ में 25 किलोमीटर दूर है, आप गलत से साउथ का रास्ता ले लिया तो आपका एयरपोर्ट आएगा? क्यों आपने साउथ का रास्ता लिया? क्योंकि आपके पास ज्ञान गलत था, तो आपका ज्ञान चेंज करना जरूरी है कि आपको डांटना जरूरी है? ज्ञान चेंज करना, तो फिर ज्ञान चेंज करो, वाइफ को थोड़ा समझाओ प्यार से, देखो तुम हमारे साथ रहती है, कितना सालों से अपने ये जीवन जीते हैं, ये थोड़ी थोड़ी जो बात हो गई तो मेरी दृष्टि से ऐसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना सत्य असत्य यानी कि सच और झूठ का सही मतलब। तो दोस्तों हमारे दादाजी कहते हैं कि सत्य हित प्रिय और मित हो तभी सत्य कहलाता है, और हर एक का सत्य हर एक के व्यू पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमारे वाणी वर्तन और मन से किसी को किंचित मात्र दुख नहीं देना वही व्यवहार का मूल सत्य है। ऐसे ही व्यवहार के ज्ञानमय सॉल्यूशन जानने के लिए सुनते रहिए नई दृष्टि नई राह, हर रोज इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मीठा ही बोलिए।